नगर गिनाज की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदेव। वृश्चिक राशि वालों, खुशियां हर तरफ बिखरने वाली है। मई में जो हो सकता है, जो होने वाला है, वह आपके लिए सुखद और अविस्मरणीय रह सकता है। आज रात दिन अर्थ संचय के लिए प्रयासरत रहते हो। विषम परिस्थितियों में मेहनत करके अर्थ उपार्जन कर रहे हो, फिर भी समुचित परिश्रम और यथार्थ मेहनत व्यर्थ चली जा रही है। आपके भविष्य की योजनाएं धरी की धरी रह जाती है, तो अब चिंता से मुक्ति मिलने जा रही है, क्योंकि ग्रहों के बदलाव से ईश्वरीय के मार्ग खुलने वाले हैं। मैंने मार्च 2022 की वीडियो में भविष्यवाणी की थी कि अप्रैल के अंत तक अन्य देशों में कोरोना की शुरुआत हो जाएगी। सरकार का बड़ा फैसला कई राज्यों को राहत देगा। अब देख रहे हैं, चीन, ब्रिटेन सहित अन्य देशों में कोरोना का हाहाकार बचा हुआ है, तो दिल्ली में और अन्य राज्यों में भी कोविड की शुरुआत हो चुकी है। पूरे 64 साल के बाद केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अस्पा क्षेत्र को हटा दिया है। 23 जिलों में अस्पा पूर्ण रूप से हटाया गया है और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सही साबित होती जा रही है। आप चाहे तो वह वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, यूक्रेन में जेलेंस्की की जीत उनके सर्वनाश का कारण बनेगी। देश में किसानों को मकान में मिलने वाली सब्जी और अन्य सुविधाओं पर पुनर्विचार होगा। तो एक बार फिर महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान उठेगा। तो कोविड की चौथी लहर मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे पैटर्न में लोगों को प्रभावित करेगी। इन सब के बीच सबसे बड़ा लाभ वृश्चिक राशि के जातकों को मिलने जा रहा है, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल स्वयं पराक्रम भाव के लॉर्ड शनि के साथ सुख भाव में स्थित है। तो नौकरी के कारक सूर्य आकस्मिक धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बुध के साथ दैनिक व्यवसाय के भाव में स्थित है। जो पद अधिकार देते हैं वह गुरु, यात्रा, सुख, प्रेम देने वाले शुक्र, धन भाव और विदेश भाव के लोड होकर आपके स्वयं के यश भाव में स्थित है। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशिफल मई 2022। वृश्चिक राशिफल 2022 के अनुसार मई का महीना मान सम्मान में वृद्धि के साथ आर्थिक लाभ के अवसर लेकर आएगा, क्योंकि आपका व्यक्तिगत उन्नति और अपार धन संपदा कमाना ही प्रमुख ध्येय रहा है। आप समाज में, कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में सबसे उच्च स्थान पर बैठने की आकांक्षा रखते हैं और मई में इन इच्छाओं की पूर्ति में कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपने जो शानदार वित्तीय कदम उठाए थे उनके परिणाम अब प्राप्त होते नजर आएंगे। तो निवेश, खरीद फरोख, संयुक्त वित्त, बाजार के दाव पेच में से जुड़े मामले में आप बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। जो सारे काम रुक रुक कर हो रहे थे, कोई भी काम मन अनुकूल पूर्ण नहीं हो रहा था, कार्यों में कुछ न कुछ कमी बनती रहती थी, तो अब उनसे मुक्ति मिलेगी। स्थायी संपत्ति के लिहाज से भी मई का महीना लाभदायी रहेगा। आपके पास में रहा अतिरिक्त धन का आपको बढ़िया लाभ हो सकता है, तो जिंदगी का खेल इस वक्त आपको बेहद प्रभावित करेगा, क्योंकि 7 अप्रैल से ही नौकरी में परिवर्तन, स्थानांतरण के साथ कार्य क्षेत्र बदलने के प्रबल योग बन चुके हैं। नौकरी के लिए समय सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा, नई संभावनाएं पैदा होगी। जॉब में उच्च अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप जॉब के साथ में नए व्यवसाय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ शानदार अवसर मिल सकते हैं। जो उद्यमी है, व्यवसायी है, बड़े बिजनेस में है, उनको मई महीने में यश कीर्ति पाने, प्रचार अभियान, यात्रा व संगीत मुलाकात समारोह में शामिल होने का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा। ग्रह गोचर के कारण इस वक्त वृश्चिक राशि के हर जातक में नेतृत्व करने व दूसरों से ज्यादा प्रभावी होने व ऊपर उठने की चाहत होगी। ग्रहों के बदलाव से आप में ऊर्जा का संचार होगा, तो आपकी कार्यशैली और वाणी में भी बदलाव आप अवश्य देख सकेंगे, जो न केवल आपको सफलता दिलाएगी किंतु स्पष्ट फायदे व अधिकार भी दिलाएगी। सबसे बड़ा लाभ इस वक्त स्नातक के विद्यार्थियों को विज्ञान वर्ग, सामान्य वर्ग, कलाकारी, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित विद्यार्थियों को मिल सकता है। इस वक्त उच्च संस्था में शिक्षा प्राप्त करने का सपना पूर्ण हो सकता है, तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण होकर विदेश भी जा सकते हैं। 7 मई के बाद म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, पूंजी में वृद्धि की नई नई योजना क्रियान्वित करेंगे और उसमें भी सफलता का स्वाद चखेंगे। तो खरीदना, बेचना, निवेश करना व सराफ बाजार में दाव लगाने के लिए भी उत्साहित रहेंगे। जो सरकारी पदों पर स्थित है, उनको उच्च अधिकारी की ओर से प्रशंसा और सहयोग प्राप्त होगा। तो मई में गुप्त लाभ एवं आकस्मिक धन लाभ की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी बिजनेस या स्टार्टअप में निवेश की योजना भी बना सकते हैं।
जहां एक ओर माहौल में बदलाव, गठबंधन, साझेदारी, जनसंपर्क की प्रबल संभावनाएं बन रही है, तो दूसरी ओर सत्य, वास्तविकता, कार्य, प्यार, दर्शन की दुर्लभ और शक्तिशाली अंतर्दृष्टि आपको पुरस्कार के रूप में प्राप्त हो सकती है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ यात्रा पर भी जा सकते है। मई का महीना उन युवाओं को लिए बेहतर रहेगा जो नई नौकरी की तलाश में है। आप नौकरी से वंचित नहीं रख सकते, किसी न किसी जगह कार्य अवश्य मिलेगा। तो मई के दौरान आपको बच्चे, जीवन साथी यानी कि जिसे प्यार करते हैं, उनका भी प्यार व समर्थन प्राप्त होगा। शादी और विवाह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जो कानूनी मुद्दों, प्रतिस्पर्धा व लड़ाई के दलदल में फंसे हुए, उन्हें भी बाहर आने का अवसर मिल सकता है। जो अधिक परिश्रम का कार्य, चमड़े का कार्य, मजदूरी, ठेकेदारी, मरम्मत के कार्य से जुड़े हुए हैं, वह बड़े धन की आशा कर सकते हैं। तो श्रम एवं समाज कल्याण से जुड़े हुए हैं, तामसिक पदार्थ के कार्य से, जासूसी या गुप्त कार्य से, कंप्यूटर, बिजली, कीटनाशक, दवाओं से जुड़े हुए हैं, तो आप भी बड़े डील करने के लिए तैयार रहे। इस समय में आप फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ सकते हैं, संस्थाओं के प्रधान नेता, अभिनेता भी बन सकते हैं। तो राजनीति से जुड़े जातकों को भी किसी बड़े व्यक्ति, बड़े नेता का सहयोग मिल सकता है। नई जिम्मेदारियों से नवाजा जा सकता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग होते हैं जो व्यक्ति को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी होते हैं जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवाकर निराकरण अवश्य करवाए। 8 मई के बाद आवास में परिवर्तन या कोई स्थायी मकान ले सकते हैं। यहाँ तक सपनों का घर खरीदने में कामयाब रहेंगे। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी संबंधी डील हो सकती है। फिर भी मई महीना सावधानी बरतने का, संभल कर चलने का है। किसी योजना, परियोजना एवं धन लगाने से पहले उसका भलीभांति अध्ययन कर ले और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे, वरना मई में मानसिक तनाव रहने की संभावनाएं बन सकती है। दत्त महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय गुरुदत्त।